संसार का नियम है कि वो शक्ति से संचालित होता है। सूर्य में तेज है, इसीलिए उसकी पूजा की जाती है। चंद्रमा में आलोक है, इसीलिए उसे रात्रि का देव माना जाता है। शक्ति से सभी आकर्षित होते हैं, परंतु कभी कभी यही शक्ति समस्या का कारण भी बन जाती है, क्योंकि शक्तिशाली वो भी हो सकता है जिसका मंतव्य शुभ ना हो, जिसका मन बुरा हो। और ऐसे में यदि उस शक्ति के प्रति संतान का आकर्षण बढ़ जाए तो माता पिता क्या करें? माता पिता का कर्तव्य यही बढ़ जाता है। इसलिए बालकों को सिखाएं कि वास्तविक शक्ति वही है जो शुभ करे, जो विकास करने में सक्षम हो, विध्वंस में नहीं। शक्ति का उचित प्रयोग करना ही बालकों को सिखाना माता पिता का धर्म है। ये स्त्री कौन है? इसके हाव भाव क्यों मुझे किसी का स्मरण करा रहे हैं? जैसे मैं इसे जानता हूं। कर्ण, कीचक का संदेश है, हमें महाराज विराट से मंत्रणा करनी है। आओ। क्या हुआ? संकट का संदेश क्यों भेजा? संकट नहीं भ्राता श्री, महासंकट। किस महासंकट की बात कर रहे हो अनुज? दुर्योधन गंधार राज और कर्ण के साथ विराट नगर पहुंच चुका है, और सुना है कि सेनापति कीचक भी उनका मित्र है। वो अवश्य हमारी खोज में आया होगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। 13 वर्ष पूर्व होने में 2 महाशेष है। किसी भी परिस्थिति में हमें हमारी पहचान छिपानी होगी। इसलिए मैंने आप सबको संकट का संदेश भेजा था। पांचाली कहाँ है? उसे संकेत भेजा? मैंने महारानी के कक्ष के बाहर जाकर पुकार लगाई थी, अवश्य पांचाली ने सुनी होगी। तो फिर पांचाली यहाँ आए क्यों नहीं? सरेंद्री, राज्यसभा में कुछ अतिथि आए हैं, उनके स्वागत के लिए पात्र वहाँ रखवाने हैं। क्षमा करना, मुझे कुछ विशेष कार्य से जाना है। सहायता करो ना सरेंद्री, अचानक से वो लोग आ गए और दास कम पड़ गए हैं, बड़ा ही आभार होगा। परंतु वो लता से ये राज्यसभा में ले जाओ, मैं अभी आती हूँ। चलो चलो जल्दी करो, महाराज रुष्ट हो जाएंगे। चलो पांचाली इस समय महारानी की सेवा में, हो सकता है उसे यहाँ आने का अवसर ना मिला हो। यही तो चिंता है ज्येष्ठ, कि पांचाली महारानी की सेवा में है। यदि पांचाली को महारानी ने बुलाया तो उसे राजसभा में जाना होगा। ठीक कहा तुमने अनुज, बिल्कुल ठीक कहा। पांचाली को दुर्योधन की दृष्टि से बचाए रखना अत्यंत आवश्यक है, ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं पांचाली को राजसभा के समीप ना आने दूं। अर्थात आपको दुर्योधन के समीप रहना होगा भ्राता? हाँ, पांचाली को पहचाने जाने से बचाना है तो मुझे ये जुआ अवश्य खेलना होगा। हम पांचों में से मैं ही हूं जो विराट राज के निकट जा सकता है। महाराज, हस्तिनापुर के युवराज ऐसे ही नहीं बन गए हमारे मित्र दुर्योधन। बड़ा बल है इनकी गदा में। विराट नगर का सौभाग्य है कि ये हमारे यहाँ अतिथि बनकर आए। अरे बस मित्र, आवश्यकता से कुछ अधिक ही प्रशंसा कर रहे हो मेरी मित्र, परम मित्र।
कहाँ जा रहे हो भीम? राज्यसभा में आपके साथ ज्येष्ठ। नहीं भीम, तुम सदा अति चिंतित तो रति उत्साही हो जाते हो, और ये दोनों ही अवस्था हमारे लिए घातक है। यदि पांचाली राज्यसभा में, तो उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व मेरा है भीम। तुम बस सतर्क रहो, जाओ जाकर रसोई घर में मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर, मैं वहां पर पहुंचता हूं। बस सावधान रहना, सावधान। सदा प्रतीक्षा ही तो करता रहा हूं मैं। हस्तिनापुर की राज्यसभा में आपके विजय की प्रतीक्षा करता रहा, परिणाम क्या निकला आप स्वयं जानते हैं। मैं अपनी भूल स्वीकारता हूं भी, परंतु कभी कभी आक्रामक होने के स्थान पर पीछे हट जाना ही श्रेयस्कर होता है भीम। हस्तिनापुर की राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसके प्रतिकार के लिए लगभग 13 वर्ष हमने कष्ट सहे हैं भीम, और पांचाली ने भी। यदि तुम इस समय दुर्योधन के समक्ष प्रस्तुत हुए तो हमारी 13 वर्षों की तपस्या भंग हो जाएगी भीम। हमने प्रतिज्ञा ली, हमें हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी है। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा भीम। मुझे आप पर विश्वास है ज्येष्ठ, मैं अवश्य प्रतीक्षा करूंगा, परंतु इस बार मैं शांत नहीं रहूंगा। यदि दुर्योधन ने कोई भी कुचक्र रचा तो शपथ है अपनी प्रतिज्ञा की, भीम प्रस्तुत होगा, चाहे फिर से 12 वर्ष का वनवास क्यों ना भुगतना पड़े। हमारा मित्र कुछ ज्यादा ही रुचि दिखा रहा है उस दासी में दुर्योधन। यदि ऐसा है तो युवराज के लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है सेनापति कीचक। और वैसे भी अंगराज कर्ण अपने वचन के साथ साथ किसी व्यसन में भी रुचि रख रहे हैं, अच्छा है। आपका अतिथि है, आनंद करने दीजिए। परंतु विराट नगर में आनंद पर अतिथि से पूर्व आतिथ्य का अधिकार होता है। हाँ, कीचक का अधिकार होता है। है ना राजा? दासी, तुम पहले हमारे समक्ष आओ। युवराज, दासी, पहले हमारे पांव धो। सुना नहीं दासी? सेनापति कीचक पुकार रहे हैं। मेरे राज्य में इतना सुंदर भोग्य है और मुझे ज्ञात ही नहीं। दासी,
मेरी दृष्टि में स्त्री इतनी हीन नहीं हो सकती कि उसे पुरुष के चरण धोने पड़े, चाहे वो एक दासी ही क्यों ना। क्षमा कीजिएगा देवी, परंतु मैं अपने चरण स्वयं धो सकता हूं। शीघ्रता भी क्या है सुंदरी, अपना नाम तो बता दीजा। मित्र कीचक, तुम्हारा दुस्साहस बहुत मनोरंजक है। सूर्य अपना तेज सारे संसार में बांटता है, चंद्रमा अपनी शीतलता सबको देता है, फिर तुम क्यों अपना मुख मुझसे छुपा रही हो सुंदरी? एक बार और इसे देखकर आनंदित होने दो, है भी तो वो तो यहां सभी हैं मुझसे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भय अभी दूर किए देता हूं। ओहो, विरोध करना भी जानती हो। अच्छा है, विरोध करना सुंदरियों का एक गुण है, मुझे अच्छा लगा। कीचक, सायरंदरी हमारी सेवा में है और सुरक्षा में भी, उसकी सुरक्षा का वचन दिया है हमने। सायरंदरी, अच्छा नाम है। जाओ सायरंदरी। पांचाली तो उनके साथ गई थी, तो फिर कहां रह गई? सैरंदी नहीं आई? नहीं, उन्हें सेनापति कीचक ने रोक लिया। अब न जाने क्या होगा, सेनापति कीचक की दृष्टि जिस स्त्री पर पड़ती है उसे वो मेला करके ही छोड़ता है। क्षमा करना ज्येष्ठ, परंतु अब मैं अपना वचन नहीं निभा पाऊंगा। पांचाली सुरक्षित है, ज्येष्ठ ने अपना उत्तरदायित्व पूर्ण किया। मित्र दुर्योधन, मैं तुम्हें हमारी सेना के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों से मिलवा देता हूं, ये तुम्हारा मंतव्य पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगे। आओ। अंगराज, आप कृपया बाहर प्रतीक्षा कीजिए। मैं युवराज की सुरक्षा में आया हूँ। हाँ, तो युवराज का ही आदेश है, सेनापति कीचक के साथ वो एकांत में बात करना चाहते हैं। और हाँ,
यदि आवश्यकता होगी सेवकों की तो आपको बुलावा भेज दिया जाएगा। कृपया प्रस्थान करें। मित्र, हमने उन पांडवों को हर स्थान हर दिशा में ढूंढा है, केवल विराटनगर शेष है। यदि तुम्हारी सहायता ना मिली तो दो माह पश्चात ही हस्तिनापुर पर महायुद्ध का संकट मंडराएगा और वो मित्र कहां खोए हुए हो? तुम सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, कहो मित्र। सुनो, केवल ये विराट नगर है जहां हमने हमारे गुप्तचरों को नहीं भेजा है, पर हमें संदेह है कि वो पांडव यही विराट नगर में छुपे हैं। अब मैं तुम्हारी सहायता से उन पांडवों को ढूंढ निकालूंगा। वो पांचों पांडव महातेजस्वी हैं। यदि दृष्टि रखोगे तो पहचान लोगे। और वो द्रौपदी का रूप तो किसी घूंघट में भी नहीं छुप सकता। हाँ, कुछ सुंदरियों का रूप तो कोई घूंघट नहीं छिपा सकता। रूप के अतिरिक्त तर्क की भी कमी नहीं है उस पांच पतियों वाली में। मुझे विश्वास है कि उन वास के पश्चात भी उस द्रौपदी का तर्क पर घमंड कम नहीं हुआ होगा। मित्र दुर्योधन, सुंदरियों को ढूंढना, उनका भोग करना मेरी रुचि का कार्य है। मित्र दुर्योधन, निश्चिंत रहो, अब तुम यहां आ ही गए हो तो पांडवों को यहां से अपने साथ लेकर जाओगे। परंतु क्या विराट राज इस कार्य के लिए सहयोग करेंगे? विराट राज केवल मुकुट पहनते हैं गांधार राज। राज यहां की चक्का चलता है, इसलिए मेरे वचनों को आप राजन के वचन समझें। मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा ना राजन? अब उस सुंदरी को ढूंढने का कार्य मैं पूर्ण करूंगा। मुझे विश्वास है कि युवराज दुर्योधन कीचक का समर्थन और सहयोग लेने की चेष्टा करेंगे। कदाचित पांडव मेरे समक्ष होते तो मैं उन्हें सावधान कर पाता, माता कुंती को दिया वचन पूर्ण कर पाता मैं। समझ में नहीं आता कि दुर्योधन यहां आया क्यों है। ये तो वही है जिसे मैंने कुमार उत्तर का धनुष उठाते देखा था। ये इस बात ही छिपकर किससे और क्यों बात कर रही है? क्यों हर बार मुझे अनुभव होता है कि मैं इसे जानता हूं? दृष्टिकोण क्या होता है? दृष्टिकोण वो नहीं जो हमें वो दिखाए जो दिखता है,
दृष्टिकोण वो होता है जो हमें दृष्टि के परे देखने की शक्ति दे। ये दृष्टिकोण ही तो है जो किसी को सागर का अर्थ खारा जल समझता है, तो किसी को मोती का घर दिखलाता है, किसी को डूबने योग्य अतः जल दिखलाता है, तो किसी को संसार के जन्म लेने की गोद दिखलाता है। महत्वपूर्ण वो नहीं जो आपके समक्ष है, जो आपको दिखता है, महत्वपूर्ण आपका दृष्टिकोण है। देखने में अंतर करेंगे तो आपके जीवन में भी अंतर आ जाएगा। समझ में नहीं आता कि दुर्योधन यहां आया क्यों है। ये तो वही है जिसे कल मैंने कुमार उत्तर का धनुष उठाते देखा था। ये इस बात ही छिपकर किससे और क्यों बात कर रही है? उसकी ये यात्रा कीचक से मिलना है या फिर उसके पीछे हमारी खोज। दुर्योधन यहां आया है तो मंतव्य शुभ नहीं होगा। तो फिर एक बार ज्येष्ठ आ जाए, हमें उनसे मंत्रणा करनी होगी। वो भी सभा में उन्हें ज्ञात होगा कि दुर्योधन हमें पकड़ने के लिए क्या षड्यंत्र रच रहा है। सुना है पांचाली पर किचक की दृष्टि पड़ी है, हमें उसे भी सुरक्षित रखना होगा। समस्या बड़ी हो तो सावधान अधिक रहना चाहिए भ्राता भीम। सावधान रहना पर अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना। क्षमा करें अतिथि महोदय, यहाँ से आगे विराट राज परिवार के अतिरिक्त किसी भी पुरुष को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये महारानी सुदेशना का निवास है। क्षमा करना, मैं अपना मार्ग भटक गया था। कहाँ हो बहना? अरे सुदेशना यहां नहीं है, परंतु शुभ है कि तुम यहां हो। क्षमा कीजिए। हेलो, न मैंने तुम्हें क्षमा किया है और ना ही यहां से जाने की अनुमति दी है। सुना है कि तुम सबके समक्ष अपना मुख नहीं दिखा सकती, परंतु यहां तो केवल मैं हूं,
और तुम हो। चंद्रमा भी चकोर के लिए मेघों से निकल ही आता है सुंदरी। जिस मुख का प्रतिबिंब देखकर मेरा मन विचलित हो चुका है, उसकी वास्तविक छवि तो दिखाओ। ऐसा दुस्साहस मत कीजिएगा। प्रतिरोध, कीचक का प्रतिरोध। अच्छा है, ऐसा लक्ष्य पाने का आनंद ही क्या जिसमें प्रतिरोध ना हो। जहां विरोध हो वहां विजय प्राप्त करने में कीचक को सदा प्रसन्नता होती है। अब अपना मुखड़ा दिखाओगी सुंदरी, या अपने हाथों को कष्ट देना होगा। हम तुम्हें पहले भी कह चुके हैं कि सारंदरी हमारी सेवा में है। जाओ सारंदरी। अरे क्या बहना, मैं तनिक परिहासी तो कर रहा था। तुम तो जानती हो कि मेरा नटखटपन अब तक गया नहीं है। सैरंद्री क्या मैं तो उर्वशी को देखकर मोहित ना हूं। वैसे इतने से दिनों में बड़ी प्रिय हो गई है ये दासी बहना। ऐसा क्या है जो तुम सदा इसका पक्ष लेती हो। हम तुम्हारी बहन हैं, तुम्हारी सुरक्षा की कामना करते हैं। कुछ उपहास जीवन का अंत बन जाता है कीचक, अंत। सायरंधरी गंधर्व पत्नी है, पांच गंधर्वों की सुरक्षा में है, ध्यान रखना। धन्य हो बहना, धन्य हो। अपने भ्राता का इतना ध्यान, अद्भुत। ये सैरंद्री कौन है ये तो मैं फली भांति जान गया हूं, और इसके पांच गंधर्व पति कौन है वो भी जानता हूं। बस शेष है तो केवल उन पांच पांडवों को पहचान। पांच पांडवों को पहचान। हमारे पुत्रों को ये बात बतानी ही होगी। अरे अर्जुन, नकुल, सहदेव, आर्य, भीम और स्वयं आर्य युधिष्ठिर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहां गए सबके सब। शैरेंद्री, तुम्हें राजसभा में उपस्थित होने का आदेश मिला है, मदिरा लेकर अतिथियों के स्वागत के लिए तुरंत आओ। परंतु मैं तो महारानी की सेवा में हूँ, मेरा राज्यसभा में क्या कार्य? वो मुझे ज्ञात नहीं, ये राज आदेश है, पालन करो। आइए विराट राज। ये अति उत्तम चाल गंधार नरेश, ठीक ही सुना था। हाँ। आपके पास से आपकी हर बात मानते हैं। नहीं नहीं, आप जैसे शुभचिंतकों के प्रेम का प्रताप है बस।
विराट राज, आपका यह स्वागत सदा स्मरण रहेगा। आओ भाग्य। ये सब क्या है अनुज? मैंने कहा था ना कि राज्यसभा में कोई नहीं आएगा। जब उस सभा में हम एक साथ थे प्रदर्शी, चांद्र भाग्य हमने जानते पूछते स्वयं चुना था, तो इस सभा में भी हम एक साथ ही रहेंगे। चांद्र भाग्य फिर से हमारी खोज में आया है। हम आपको और पांचाली को यहाँ आई शत्रुओं के मध्य अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। समझने की कोशिश करो अनुज, यदि दुर्योधन ने हम में से किसी को भी पहचान लिया तो अनिष्ट हो जाएगा। राधाश्री, जब आप दूसरे अनुजों को नहीं पहचान पाए तो मद में चोर दुर्योधन कैसे पहचान पाएगा? हम पांचों इस सभा में उपस्थित हैं। लेकिन फिर भी अनुज, यहां दुर्योधन के साथ साथ मामा शकुनी भी उपस्थित है, और तुम जानते हो कि उनकी दृष्टि कितनी तीक्ष्ण है। सावधान रहना अर्जुन, सावधान। और सेनापति कीचक चौधार रहे हैं। तत्काल में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई मित्र दुर्योधन? एक कमी थी, तुम्हारे साथ की मित्र, जो अब पूर्ण हो जाएगी। वैसे बहुत आनंद आ रहा है। विराट का जनपद है मित्र, आनंद भी विराट ही होगा, तनिक प्रतीक्षा तो करो। सैरंद्रे, हस्तिनापुर युवराज के लिए मदिरा प्रस्तुत करो। हाँ दासी, आओ थोड़ी मदिरा और दे दो। अतिथि की प्यास बुझा के अतिथेय को प्यासा नहीं रखते दासी। लाओ हमें भी मदिरा पिलाओ। Thank you.
शान। बंद करो ये नृत्य। मुझसे कोई भूल हुई क्या? अपने घुंघरू उतारो। सुना नहीं तुमने? अपने घुंघरू उतारो। अब इसे दासी सहरंद्री को दो। सुना है नृत्य कला में बड़ी प्रवीण है ये दासी। हमें भी देखना है दासी सहरंद्रे, अतिथियों के समक्ष नृत्य प्रस्तुत करो। देश के विरुद्ध स्वयं विराट राज नहीं जा सकते, उस महाबली कीचक की आदेश की अवहेलना की तूने? मूर्ख दासी, मेरी शक्ति, मेरे अधिकार के विरुद्ध जाने की अवहेलना की तूने? नृत्य कर, नहीं तो तेरे प्राण यहां नृत्य करेंगे। आज तुझे नृत्य करना पड़ेगा। मैं महारानी के वचन की सुरक्षा में, उनके अतिरिक्त कोई मुझे आदेश नहीं दे सकता। हट! और सारा विराट नगर सुरक्षा के लिए मुझ पर आश्रित है। इसने पांचाली का और अपमान किया तो मैं इसका शीश धड़ से अलग कर दूंगा। दयानुज, शांत, कोई नहीं आएगा तेरी सहायता के लिए यहां पे। घुंघरू पहन और नृत्य कर। बस सेनापति।
हमारे जीवन में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, पहला मित्र और दूसरा शत्रु। मित्र हमें भाते हैं और शत्रुओं से हमें घृणा होती है। मित्रों के लिए हम अपने प्राणों पर खेल जाते हैं और शत्रुओं के प्राण लेने पर तुले रहते हैं, यही होता है ना? परंतु मित्र कौन है और शत्रु कौन, इसकी परिभाषा जान लेना भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमारे मित्र हमारी हां में ना करते, हमारी इच्छा पूर्ति में बाधा बनते हैं, और कभी कभी हमारे शत्रु हमारी इच्छा पूर्ति में हमारे सहयोगी होते हैं। तो एक मित्र हमारे मार्ग में बाधा क्यों बनेगा और एक शत्रु हमारे मार्ग से कांटा क्यों हटाएगा? क्योंकि कभी कभी हमसे अधिक हमारे शत्रु और मित्र हमारा भविष्य देख सकते हैं। इसलिए यदि शत्रु और मित्र को पहचानना है तो सबसे पहले अपने भविष्य को देखिए कि कौन उसे सार्थक करने में सहयोग करता है और कौन असहयोग। यही शत्रु और मित्र की परिभाषा है। कोई नहीं आएगा तेरी सहायता के लिए यहां पे। घुंघरू पहन और नृत्य कर, बस सेनापति। कौन था ये? किसने अपनी मृत्यु को ललकारा है? यदि कोई अपनी मृत्यु को पुकार रहा है तो वो तुम हो सेनापति कीचक। नारी, नारायणी और नाश, तीनों की एक राशि होती है। यदि नारी को नारायणी के पद से गिराया गया तो नारी नाश भी कर सकती है। और आप युवराज, अभी तक एक नारी के अपमान का कलंक हस्तिनापुर और हमारे मस्तक से उतरा नहीं कि आप एक और अपमान के भागीदार बनने जा रहे हैं। आपको 45 से प्रतिशोध लेना था ना, वो आप ले चुके हैं। फिर इस भागी ने आपका क्या बिगाड़ा? आप इस अपमान में भागीदार क्यों बन रहे हैं? मित्र, शांत हो जाओ, शांत। मैं यहां केवल अतिथि हूं। ये मेरा राज्य नहीं है, विराट राज्य है। एक स्वामी अपनी दासी के साथ कैसा बर्ताव करे, इस पर प्रश्न उठाने का अधिकार मुझे नहीं है। सही कह रहे हैं आप कि आपका अधिकार नहीं है। हाँ, परंतु ये आपका कर्तव्य है युवराज। एक नारी का अपमान रोकना हर पुरुष का कर्तव्य होता है। We'll be right back.
सायरंधरी गंधर्व पत्नी पांच गंधर्वों की सुरक्षा में है। मेरा संदेह ठीक था, केवल द्रौपदी नहीं पांचों पांडव विराट में उपस्थित हैं। मित्र दुर्योधन को इन पांचों की ही खोज है। मैं क्या कर सकता हूं? तुम शांत हो जाओ। हाँ मित्र होने के नाते इन्हें दुर्योधन को सौंप देना मेरा कर्तव्य है, परंतु विराट ने पांडवों को आश्रय दिया है और यहाँ का सेनापति होने के नाते इसका कर वसूलना मेरा अधिकार है। बहुत हुआ दासी, अब जाओ यहां से। तुम्हारी इस अवहेलना के कारण हमारे मित्र दुर्योधन का अपने मित्र से कलह हो गया है। आनंद के इशारों को मैं व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता, अब जाओ यहां से। सुना नहीं? क्षमा चाहता हूं मित्र, पर खेद है अंगराज, मैं तो आप लोगों का मनोरंजन करना चाहता था। इस दासी के दर्प ने मेरे कार्य को असफल कर दिया, क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपका। ये आप कह रहे हैं सेनापति की चाक? हाँ, आपने तो कहा था अंगराज कि जो नारी का अपमान करता है वो अपनी मृत्यु को ललकारता है, और मुझे अपने प्राण बहुत प्रिय हैं। अगर कोई और भूल हुई हो तो सेवक को क्षमा कीजिएगा अंगराज। अरे अरे नहीं नहीं, चलो कीचक ने क्षमा मांग ली है ना, आओ। हाँ? यही तो आश्चर्य है कि कीचक के व्यवहार में अचानक परिवर्तन क्यों आया। कर्ण तुम्हारे अपमान का प्रतिकार मैं उसी क्षण कर देता पांचाली, परंतु तुमने मुझे क्यों रोका? क्योंकि 12 वर्ष की प्रतीक्षा, हमारी प्रतिज्ञा पूरी करने की तपस्या को भंग नहीं करना चाहती थी मैं, और आज भी कीचक ने जो कुछ किया उस दुर्योधन की उपस्थिति के कारण वश किया। मुझे केवल उस क्षण की प्रतीक्षा है जब युद्ध का शंखनाद होगा और मैं अपनी आंखों के सामने एक एक कौरव का नाश देखूंगी। उस क्षण के संतोष के लिए ये पांचाली कितनी भी पीड़ा इतना भी अपमान सह सकती है, परंतु अब हमारे यहां रहना भी ठीक नहीं है, ना ही हमारी सुरक्षा के लिए और ना ही पंचाली की। हमें शीघ्र ही स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। नहीं नकुल, हम सब इस राज्य में प्रमुख पदों पर हैं। मैं महाराज का विश्वास पात्र सभासद हूं, अनुज भी मुख्य रसोईया है, अर्जुन राजकुमारी उत्तरा का शिक्षक है, पांचाली महारानी की विशेष सहयोगी है, और तुम अश्वशाला संभालते हो और सहदेव गौशाला, इसीलिए हम सबका यहां से एक साथ निकल निश्चित ही लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। परंतु मुझे नहीं लगता ज्येष्ठ कि शेष दो माह सरलता से कट पाएंगे। मेरी मानिए तो मध्यरात्रि में हम विराट राज्य को छोड़ देंगे। पता जब तक किसी को हमारी अनुपस्थिति का बोध होगा हम सबके पहुंच से दूर होंगे। भीम का मत उचित है ज्येष्ठ भ्राताश्री,
सुयोधन शीघ्र यहां से जाते नहीं दिखता, और जब तक वो यहां रहेगा संकट हमारे सिरों पर मंडराता रहेगा। मैं भ्राता अर्जुन के साथ सहमत। ठीक है, यदि तुम सबका यही मत है तो हम सब लोग आज रात्रि गुप्त रूप से प्रस्थान करेंगे। सेनापति कीचक, आप यहां पर? सायरंद्री के पांचों गंधर्व पति उसकी रक्षा के लिए आ ही गए। प्रणाम जयेष्ठ गंधर्व, आपकी योजना अच्छी थी, परंतु विराट में कीचक से कुछ भी गुप्त नहीं रहता। बेचारा दुर्योधन सारे आर्यव्रत में सेना लिए घूम रहा है, तुम लोगों की खोज कर रहा है, उसका आखेट ठीक उसकी नाक के नीचे बैठा। अद्भुत, प्रतिशोध की चाह मनुष्य को क्या से क्या बना देती है। दुर्योधन ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि महान धर्मराज युधिष्ठिर कंक बनकर विराट का मनोरंजन कर रहे होंगे। अद्भुत। और भोजन भक्त महान भी दूसरों के लिए भोजन पका रहा है, झूठे पात्र धो रहा है। और तुम अर्जुन पशुपतास्त्र धारण करने वाला किन्नर का जीवन जी रहा है, और बेचारे कोमल सुंदर नकुल सहदेव जो सदा सुगंध में नहाए रहते थे, आज अश्वों की लीद और गौवंश का गोबर साफ कर रहे हैं। अद्भुत। और तुम पिछले 13 वर्षों से अपने खुले केशों को बांधने की चाह रखने वाली यज्ञसेनी सुदेशना के केश सज्जित कर रही है। अति मनोरंजक। तुम पांचों भाई धूल झोंकने में सफल हुए, स्वीकार है, परंतु द्रौपदी अपना रूप नहीं छिपा सकी। ना 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 ना, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे सौंदर्य और यौवन का दोष है। ए, तुम्हें हो क्या जाता है कर? क्यों क्यों भरी सभा में तुमने कीचक के साथ में विवाद किया? और जो कीचक ने किया उसका क्या? आपने उस अपमान का विरोध तो नहीं किया युवराज? अरे तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है
जिससे सहयोग की अपेक्षा हो उसका विरोध नहीं किया जाता, जिस जिस वृक्ष से फल खाने हो उसे काटा नहीं जाता। इस समय हमें कीचक के सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता है, इसीलिए मैंने उसका विरोध नहीं किया। करता तो उसका सहयोग खो देता। तुम्हें पहचानने के पश्चात मन करता है कि भूल जाऊं दुर्योधन को, उसकी मित्रता को और उस वचन को कि मैं तुम सबको ढूंढने में उसकी सहायता करूंगा। बस मुझे एक पुकार लगाने की देरी है, मेरे एक शब्द पे पुनः तुम लोगों को 12 वर्षों के वनवास का मार्ग दिखा सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो कैसा लगेगा यज्ञ सेनी? नहीं, मैं ऐसा पाप होने नहीं दे सकता। मैं तुम्हारी केश राशि को सज्जित देखना चाहता हूं, तुम्हारे रूप को आभूषणों सहित देखना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे अपने मित्र से द्रोह भी स्वीकार है। परंतु इस भेद को भेद रखने के लिए एक मूल्य चुकाना होगा। तुम पांचों मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते, वन में रहो या महल में, लेकिन द्रौपदी के लिए ये भेद ना खुलना जरूरी है। इसीलिए मेरे पास एक प्रस्ताव है, सोच समझकर, ध्यान से सुनकर निर्णय लेना। आज रात्रि चंद्र ग्रहण है और इस अंधेरी रात में मैं यज्ञ सेनी के रूप के प्रकाश में स्नान करना चाहता हूं। यदि उस स्त्री का मान भंग हो जाता तो हस्तिनापुर फिर से अपना सम्मान खो बैठता। शिवराज, क्या पांडवों को ढूंढने के लिए आप फिर से हस्तिनापुर का सम्मान दांव पर लगा देंगे? पांडव मिले या ना मिले, परंतु अब जब भी वो सामने आएंगे तो हम उनसे युद्ध करेंगे, युद्ध में उन्हें पराजित करेंगे। और मेरा मानना है कि हमें हस्तिनापुर वापस चले जाना चाहिए। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि तुम केवल और केवल बाण चलाया करो, बाण, अपना मस्तिष्क नहीं, समझ गए? तुम केवल युद्ध करना जानते हो, राजनीति करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। समझाओ, समझाओ अपने मित्र को। पांडवों को पकड़ने का अंतिम अवसर है हमारे पास दुर्योधन, अंतिम लक्ष्य हमारे सामने है दुर्योधन, और तुम्हारा ये प्रिय मित्र कह रहा है कि हस्तिनापुर जाकर हम संतोष की निद्रा में सो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम संतोष की निद्रा में सो जाएं। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें हस्तिनापुर शीघ्र ही लौट जाना चाहिए, क्योंकि यहां रहकर हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। क्या कहा तुमने? युवराज, सेनापति कीचक ने हमें सहायता का वचन दिया है, यदि पांडव यहां होंगे तो वो अवश्य उन्हें पकड़ लेंगे। हमें हस्तिनापुर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि पांडव यहां नहीं मिले तो हमें संभावित युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। और आप दोनों भूल रहे हैं कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण होने में केवल दो मास शेष है। दो मास शेष है, दो मास शेष है, क्या हो जाएगा दो मास शेष है तो? फिर से युद्ध है? युद्ध, 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 कर्ण, केवल युद्ध। तुमने कभी शांति नामक शब्द सीखा भी है या नहीं कर्ण? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जिसे संभावित कह रहे हो उस युद्ध को तुम निश्चित करना चाहते हो ना? अर्थात
तुम्हें तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि युद्ध ही होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चाहते हो कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो जाए?